प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भट्टू मंडी में 87वां त्रिमूर्ति महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। त्रिमूर्ति शिव जयंती के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फतेहवाद ब्रह्म कुमारी शाखा से बीके मोहिनी, बीके मदन भाई और भुन्ना सेंटर से बीके ज्योति ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भट्टू सेंटर की संचालिका गीता दीदी ने की। उन्होंने इस पावन अवसर पर जुड़े हुए अद्भुत एवं सत्य रहस्य को खुल करके बताया। शिव परमात्मा का अनावरण कब, कहां और कैसे हुआ? शिव का अवतरण रात्रि में ही क्यों हुआ? शिव की महिमा, शिव की प्रतिमा पर तीन रेखाएं और एक बिंदु किस बात का संकेतक है? वर्तमान परिदृश्य में शिवरात्रि मनाने का औचित्य क्या है? उन्होंने बताया कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, जो कि एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा अमर है, अजर है। मनुष्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं। कर्म अच्छे करने का फल अच्छा मिलता है, इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। कार्यक्रम में SN मॉडल स्कूल, मुस्कान कॉन्वेंट स्कूल, लॉर्ड कृष्णा, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने परमात्मा शिव से जुड़े वे प्रोग्राम में भाग लिया। इसके अलावा आसपास के कई गांवों के भाई बहनों ने भी इस कार्यक्रम में बड़े हर्षोल्लास के साथ शिरकत की और शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय प्रांगण में सरपंचों ने चल रहे धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता एवं खंड सरपंच एसोसिएशन प्रधान चंद्रमोहन पोटलिया ने कहा कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वर्तमान सरकार ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को संघर्ष करने को मजबूर कर दिया है। ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार पंचायती राज प्रणाली को खत्म करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि सरकार सरपंचों की समस्याओं को हल नहीं करना चाहती, वरना अब तक सरपंचों को बातचीत के लिए बुला लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की पावर को कमजोर कर लोगों के हकों की आवाज को दबाना चाहती है। गांव में लोग विकास चाहते हैं और सरकार सरपंचों पर अंकुश लगाकर विकास प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक ई टेंडरिंग वापिस नहीं लेती, वह पंचायती राज 1994 को पूरी तरह से लागू नहीं करते, तब तक पंचायतों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर सरपंच राजेश भिंचर, बलवंत जाखड़, प्रहलाद सिंह, सुरेश कुमार, आशीष सिंगला, कृष्ण जांगड़ा, सुरेंद्र कुमार, राजेंद्र माचरा, मुकेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पशु चिकित्सक भर्ती का पेपर लीक होने के मामले में परीक्षार्थियों ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य लक्ष्य गर्ग को ज्ञापन सौंपा। पशु चिकित्सकों ने आम आदमी पार्टी से आग्रह किया कि वह इस मामले में सरकार को जगाए ताकि जो पेपर लीक हुआ उसे रद्द करके नए सिरे से परीक्षा ली जाए। इस अवसर पर गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार बेशक पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने का दावा कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हरियाणा में लगातार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा पशु चिकित्सक पद के लिए SCS के माध्यम से 15 जनवरी 2023 को ली गई भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया कि SP सेया द्वारा 383 पशु चिकित्सक पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, जिस पर 15 जनवरी 2023 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक पंचकुला में HPSC द्वारा 5-6 परीक्षा केंद्र बनाकर उपरोक्त परीक्षा ली गई। परीक्षार्थियों के अनुसार इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से 1-2 दिन पहले ही लीक हो गया और कुछ परीक्षार्थियों के पास पहुंच गया। यह भी पता चला है कि यह प्रश्न पत्र बिहार के व्यक्तियों द्वारा हरियाणा में परीक्षा देने वाली एजेंसी के साथ सांठगांठ करके लीक किया गया। इस परीक्षा में 24% गलत थे और 26% पिछले पेपर से लिए गए थे, इसलिए यह पेपर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और सरकार पेपर लीक मामले को पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहनती से जांच की जानी चाहिए और HPSC को रद्द कर देना चाहिए। इस दौरान परीक्षार्थी अक्षय, महक, मोहित, विजयपाल, प्रिया, शुभम आदि मौजूद रहे और उन्होंने इस पेपर लीक बारे में जानकारी दी।